पवन था, न पानी था, न ही पृथ्वी और आकाश थे, न चंद्रमा था, न सूर्य था, न आकाश मंडल में तारे थे, 84 लाख योनियां भी नहीं थीं, हाट बाजार नगर दरबार कुछ भी नहीं था, बस धुंधकार था, एकमात्र निरंजन स्वयं भू तब भी था, ये दृश्यमान जगत नहीं था और नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। जी हां, वो आदि है, वो सत्य है, वो अनंत है, जो आदि है, जो सत्य है, जो अनंत है, जो शाश्वत है, वही गुरु जंभेश्वर जी महाराज है। गुरु जी ने स्वयं कहा है, रूप अरूप रमू प्यंड ब्रह्मंड घटी घटी अघट रहा यो, मैं साकार और निराकार दोनों रूपों में पिंड और ब्रह्मांड में रम रहा हूँ, अनंत युगों में एक रूप में रहता हूँ। आज जब धरती त्रस्त है, गगन उत्ताप है, पंच दूषित है, पूरी कायनात को लगता है कि मानव ने अपनी दशा और दिशा को नहीं बदला, तो प्रकृति इतनी कुपित होगी कि मानव के साथ ही संपूर्ण जीव जगत का अस्तित्व ही मिट जाएगा। प्रकृति के प्रकोप से बचना है तो मानव जाति को गुरु जंभेश्वर जी महाराज के आदर्शों पर चलना ही होगा। गुरु जंभेश्वर जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बिश्नोई धर्म मत के प्रवर्तक, परम सत्य, परम पुरुष, आदि पर्यावरण वैज्ञानिक, महान विभूति और विष्णु के अवतार गुरु जंभेश्वर जी का इस धरा पर अवतरण सन 1451 में भादवावदी अष्टमी वार सोमवार को अर्धरात्रि पश्चात कृत्तिका नक्षत्र में राजस्थान नागौर में आने वाले गांव पीपासर में हुआ। गुरु जंभेश्वर जी महाराज पिता लोहट जी पंवार व माता श्रीमती हंसा देवी की इकलौती संतान थे। गुरु जी के परम शिष्य विल्होजी ने भगवान जंभेश्वर जी महाराज के जीवन के इतिहास को 3 चरणों में प्रस्तुत किया है। गुरु जी ने सन 1451 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक 7 साल बाल लीला में बिताए। सन 1458 ईस्वी से सन 1485 तक 27 वर्ष उन्होंने गौचारण और आध्यात्मिक साधना की। सन 1485 में उन्होंने बिश्नोई धर्म मत की स्थापना के बाद से जीवन पर्यंत 51 वर्षों तक ज्ञानोपदेश दिया। 20 जमा 9 29 नियमों पर आधारित बिश्नोई धर्म मत की आचार संहिता पर्यावरण संरक्षण व आध्यात्मिक चेतना की श्रेष्ठ आचार संहिता है। हरे पेड़ नहीं काटने, नशे से दूर रहना, सुबह शाम संध्या भजन करना, पानी छान कर पीना और वाणी शुद्ध बोलना, प्राणी मात्र पर दया रखना, शील व संतोष व दया भाव धारण करना, प्रातः काल हवन करना, चोरी निंदा झूठ नहीं बोलना, वाद विवाद नहीं करना, अमावस्या का व्रत रखना, विष्णु का भजन करना, अजर को जरना, रसोई अपने हाथ से बनाना, थाट अमर रखना, बैल का बधिया ना करना, अमल नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, भांग नहीं पीना, मद्यपान नहीं करना व मांस नहीं खाना आदि नियम निर्धारित किए हैं। गुरुजी द्वारा निर्धारित नियम पर्यावरण संरक्षण के आदि व श्रेष्ठ नियम हैं, साथ ही यह लोक में कल्याण व परलोक में मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। अपने निवास स्थान के बारे में स्वयं गुरुजी ने बताया है, हरिकंग हड़ी मंडप मैडी ताहा हमारा बासा, जहाँ हरे भरे कंकहड़ी वृक्षों का मंडप और मेड़ी बनी हुई है, वहाँ मेरा निवास स्थान है। गुरु जंभेश्वर जी का अवतरण भक्ति काल में हुआ था। ये वही काल था
जब समूचे भारतवर्ष में संत और पुण्यात्माएं अलख जगा रहे थे। भक्ति आंदोलन के संतों की विशेषता है कि उन्होंने नर में ही नारायण के दर्शन किए हैं। गुरु जम्भेश्वर जी महाराज जो इससे भी आगे निकल गए, उन्होंने नर में ही नहीं संपूर्ण जीव जगत में नारायण देखा है। गुरु जी का उनके पशुओं पर भी ऐसा प्रभाव था कि पशु उनके दिशा निर्देशानुसार ही व्यवहार करते थे। गुरु जी ने विष्णोई धर्म मत की स्थापना कर मानव को जीने की राह सिखाई। पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। गुरु जाम्बूजी ने अपने जीवन काल में मानव को सदियों बाद आने वाली वर्तमान की इस समस्या से आगाह कर दिया था। गुरु जी ने हरे पेड़ न काटने तथा हर जीव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया था। पर्यावरण संरक्षण की गुरु जी की शिक्षाएं ही पृथ्वी को मानव के रहने के योग्य बना सकती हैं। सन 1730 में गुरु जम्भेश्वर जी की शिक्षाओं से प्रेरित जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्नोइयों का बलिदान विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए अब तक की अतुलनीय घटना है। वीरांगना देवी अमृता जी के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने पेड़ पर चलने वाली कुल्हाड़ियों को अपनी गर्दनों पर झेला था। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना बलिदान देने वाले इन शहीदों में महिलाएं, बच्चे और नवविवाहित जोड़े भी शामिल हैं। अपना बलिदान देते हुए वीरांगना देवी अमृता जी ने कहा था, सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, सिर देकर भी वृक्ष बच जाए तो भी सौदा सस्ता मान। इन महान बलिदानियों की याद में अब भी खेजड़ली गांव में मेला लगता है। गुरु जम्भेश्वर जी के अनुयायी आज भी पेड़ों व वन्य जीवों की रक्षा के संकल्प को शिद्दत से निभाते हैं। हरे वृक्ष नहीं काटना ये सबका मंतव्य, रक्षा में तत्पर रहियो जान यही कर्तव्य। अहिंसा परमो धर्म गुरु जी का मुख्य सिद्धांत था। उन्होंने कहा है, रे बिन ही गुन्हे जीव क्यों मारो, थे तकी जानो तकी पीड़न जानो। उन्होंने कहा है कि निर्दोष जीवों की हत्या क्यों करते हो, तुम लोग जीवों को मारना जानते हो किंतु इससे उन्हें पीड़ा होती है उसे नहीं जानते हो। गुरुजी ने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गौ हत्या रोकने के लिए कहा था तथा दिल्ली के आसपास गौचारण भूमि छोड़ने के लिए मनाया था। वैसे तो गुरु जाम्भूजी ने अनेकों स्थलों पर भ्रमण करके मानव को ज्ञान दिया, लेकिन मुख्य रूप से उनके अष्ट धाम माने जाते हैं जिनमें पीपासर धाम गुरु जम्भेश्वर जी का अवतरण स्थल है। तपोस्थल समराथल धोरा से गुरु जी ने 51 वर्ष तक दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। रोट धाम पर गुरु जी ने खेजड़ी के हजारों वृक्ष लगाए थे। जाम्भोलाव धाम फलौदी तहसील जिला जोधपुर में स्थित तालाब गुरु जाम्भूजी ने स्वयं खुदवाया था। यहाँ वर्ष में दो बार मेला भी लगता है। लालासर साथरी में सन 1536 में गुरु जम्भेश्वर जी ने निर्वाण प्राप्त किया। मुक्तिधाम मुकाम में गुरु जी के पवित्र शरीर को माघ शीर्ष एकादशी को समाधि दी गई थी। जांगलू साथरी धाम पर गुरु जी के चोला, चिम्पी, भिक्षा पात्र व टोपी सुरक्षित हैं। लोधीपुर धाम उत्तर प्रदेश में गुरु जी के आने का वर्णन मिलता है। गुरु जम्भेश्वर जी महाराज द्वारा स्थापित सिद्धांत उस काल में तो उपयोगी थे ही, लेकिन वर्तमान काल में और भी अधिक सार्थक हो गए हैं। उनके द्वारा 20:9-29 नियमों की आचार संहिता आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरी उतरती है। हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु जम्भेश्वर जी महाराज के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में कार्य करने का मौका मिल रहा है। यह विश्वविद्यालय गुरु महाराज के सिद्धांतों को सिरोधार्य कर निरंतर देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार देश का पहला विश्वविद्यालय है जो गुरु जम्भेश्वर जी के नाम पर स्थापित किया गया है।
यहाँ गुरुजी के नाम से गुरु जम्भेश्वर जी महाराज धार्मिक अध्ययन संस्थान भी है, जहाँ विश्व के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन व शोध कार्य होता है। ये विश्वविद्यालय गुरु जी की शिक्षाओं को देश दुनिया में प्रचारित व प्रसारित करने के लिए कृत संकल्प है। इस विश्वविद्यालय में भवन निर्माण में बाधा बनने पर भी हरे पेड़ों को काटा नहीं जाता, बल्कि उनको एक विशेष विधि से अन्य स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। ये विश्वविद्यालय शिक्षण व शोध में गुरु जी के सिद्धांतों को शामिल करता है, क्योंकि गुरु जम्भेश्वर जी के बताए रास्ते पर चलकर ही देश व दुनिया आध्यात्मिक व आत्मिक शांति प्राप्त कर सकती है। साथ प्रकृति संरक्षण करके, जीवों से मित्रवत व्यवहार करके पर्यावरण प्रदूषण के भीषण संकट से निपट सकती है।